नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा आज का खास प्रोग्राम। जी हाँ, बात कर रहे हैं यहाँ पर नेक्स्ट नाइन न्यूज़ के इस खास प्रोग्राम मुद्दा आज के बारे में कि आज का सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा। तो सबसे बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश की राजनीतिक सियासी सत्ता में जिस तरीके से ऋचा राजपूत के खिलाफ कई सारे आरोप लगाए गए, उन आरोपों का यहाँ पर निराधार बताया ऋचा राजपूत ने। साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि वो किसी से नहीं डर रही। इन सब के बीच इंतज़ार इस बात का है कि अखिलेश यादव का फैसला चाचा शिवपाल पर कब आएगा। एक महीने से ज़्यादा लंबा वक्त बीत चुका है। 8 दिसंबर को मैनपुरी उपचुनाव के नतीजे सामने आए थे, आज 9 जनवरी हो चुकी है, लेकिन अभी तक शिवपाल सिंह यादव के बड़े पद को लेकर कोई ऐलान नहीं हुआ। कल हमने एक रिपोर्ट साझा करी थी जिसमें हमने बताया था कि खरमास के चलते 14 जनवरी तक कोई फैसला नहीं ले रहे संगठनात्मक तौर पर अखिलेश यादव। 14 जनवरी के बाद 15 जनवरी को या उसके बाद कभी भी शिवपाल सिंह यादव के बड़े पद को लेकर कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ जानकारी आपके लिए ऐड कर दें। अपर्णा यादव ने भी एक बार को ये बयान दिया था जब मैनपुरी उपचुनाव से पहले अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल के पैर छुए थे। तो अपर्णा भी जानती हैं कि शिवपाल सिंह यादव की ताकत कितनी है और क्या कुछ बड़ा खेला वो कर सकते हैं। तो इसीलिए अपर्णा यादव ने साफ कहा था कि शायद पहले ही शिवपाल को ले आते साथ तो सपा पार्टी और ऊँचे स्तर पर होती। ये बात रही अपर्णा की। अब डिम्पल की बात करें तो डिम्पल यादव ने भी ये बात कही है कि शिवपाल सिंह यादव के रहने से ही मैनपुरी उपचुनाव में इतनी तगड़ी जीत हुई, इनका जरूर सम्मान सत्कार होगा। लेकिन सपा पार्टी किस लिए रुकी है? खरमास के चलते है। खरमास के चलते कोई बड़े डिसीजन नहीं ले रही, संगठन को विस्तार नहीं दे रही और उसके साथ साथ शिवपाल सिंह यादव को बड़े पद नहीं दे रही, क्योंकि अभी भी चाचा शिवपाल सिर्फ एक विधायक के तौर पर जाने जा रहे हैं। यानी कि अखिलेश यादव का बेटा भी एक पोस्ट करता नजर आया जो उनके अकाउंट है उनके नाम से, उस पर लिखा था चाचा अब भी विधायक हैं हमारे। तो बड़ा पद क्या होगा, इस पद को लेकर हमेशा ही सवाल खड़े रहे। अब जिस तरीके से अखिलेश यादव जमीनी स्तर पर उतर कर आंदोलन कर रहे हैं, ये सब देख रहे हैं। एक ट्विटर का मामला जो निकल कर सामने आया, गिरफ्तारी का मामला तक पहुँच गया, अखिलेश ने पूरा अपना आक्रोश दिखाया, तो ये आज का मुद्दा सबसे बड़ा बना। जी हाँ, यानी कि मुद्दा ये आज का था। लेकिन अब इसमें बात आती है शिवपाल सिंह यादव को लेकर कि किस तरीके से उनको लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं, उनके बड़े पदों को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं और जो जानकारियाँ सामने आ रही हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट है, इस पर चर्चा करना चाहेंगे हमारे तमाम सहयोगियों से। सबसे पहले यहाँ पर चर्चा करेंगे, क्रांति हमारे साथ मौजूद है। सीधा सवाल रहेगा कि जिस तरीके से आज जो कुछ भी घटनाएं हुई, कल भी घटनाएं उत्तर प्रदेश में लखनऊ में देखने को मिली, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? और शिवपाल सिंह यादव हैं तो अखिलेश इतना ज़्यादा जोश खरोश दिखा रहे हैं, बिना पद मिले काम कर रहे हैं। अभी चर्चा थी कि क्यों नहीं पद मिले, तो कहा गया खरमास के चलते उनको पद नहीं दिए गए। तो अब खरमास 14 तारीख को खत्म होगा, इसके बाद क्या उम्मीद नजर आ रही है कि शिवपाल को एक पद के तौर पर, क्या नेता के तौर पर ऐलान किया जाएगा? देखिए, जाहिर सी बात है कि पार्टी में कोई बड़ा पद ही उनके हाथ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर सीधे तौर पर देखा जाए तो शिवपाल यादव आसानी से तो पार्टी के अंदर नहीं रुकेंगे। अगर उनको रोकना है तो जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव को यह चीज सोच करके चलना होगा कि चाचा शिवपाल को जो है कोई बड़ी जिम्मेदारी दे। और जिस तरीके से अखिलेश यादव वो या डिम्पल यादव वो दोनों ने जो बड़े बड़े बयान दिए हैं, उनके बयान से भी ये बात बिल्कुल साफ जाहिर होता है कि यहाँ पर शिवपाल यादव को जो है आने वाले समय में बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। जैसे कि पार्टी की कमान संभालने का तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो अखिलेश यादव ही संभालते हैं। और जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव ने इसको लेकर के जो है संघर्ष भी किया है, पहले भी चाचा शिवपाल से लड़ते हुए आए हैं वो इस मुद्दे को लेकर के। तो इसके अलावा जो है वो चाहे पार्टी के किसी भी बड़े पद को लेकर के, हम कह सकते हैं किसी भी पद को लेकर के अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है, इसीलिए हम ज़्यादातर नाम जो है वो चर्चा में नहीं लेकर के आए हैं। लेकिन जैसे ही कोई बड़े नाम की घोषणा होती है सबसे पहले हम ज़रूर बताएंगे। तो ये बात साफ है कि यहाँ पर अभी तक कोई एक बड़े पद को लेकर ऐलान नहीं हुआ, इस पर यहाँ पर तमाम चर्चाएं अब भी जारी हैं कि क्या कुछ ऐलानबाजियाँ हो सकती हैं। आसिफ सर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे सीधा सवाल इसी बात को लेकर रहेगा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में मैनपुरी उपचुनाव नतीजे सामने आए, डिम्पल यादव बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई शिवपाल सिंह यादव से, क्योंकि जिन जिन गढ़ से शिवपाल का नाम जुड़ा है, जसवंत नगर बात कर ले, करहल सीट बात कर ले, वहाँ पर ऐतिहासिक वोट पड़े और ऐतिहासिक आंकड़े भी सपा को मिले। ऐसा नहीं सिर्फ वोट पड़े, सपा के समर्थन में आंकड़े भी नजर आए। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि डिम्पल का जो रुख है, अखिलेश यादव से ज़्यादा उत्साहित डिम्पल यादव है चाचा शिवपाल के बड़े पद को लेकर। उन्होंने कहा उनका मान सम्मान सत्कार समारोह भी रखा जाएगा, तो वो खरमास के चलते नहीं हो रहा है। इसके बाद आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि किसी एक पद पर, अगर हम पद की बात करें तो ऐसा कौन सा पद अब नजर आ रहा है? सपा पार्टी जो बढ़ती सपा पार्टी है, संगठन का विस्तार होगा, उसमें क्या बड़ा पद दिया जाएगा? शुक्रिया दीपक।
देखिए बहुत बड़ी बात है और पिछले कुछ दिनों से तो और भी डिंपल जो हैं सुर्खियों में आ गए। जब भी सड़कों पे जाती हैं या अखिलेश के साथ जाती हैं तभी लोग हार माला लेकर उनका स्वागत करने लगते हैं। लिहाजा अगर अब हम ये देखें कि चाचा शिपाल को क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, देखिए कल उन पर जब अभद्र टिप्पणी हुई तो उसके बावजूद भी वो सामने आया और उस पर हमला बोला और खुलकर समर्थन करते नजर आए, जो आपने बताया। मुझे लगता है देखिए कहीं ना कहीं दीपक अब अखिलेश यादव को सीएम चेहरा होने के नाते अब उन्हें सिर्फ उस चीज़ के लिए फिक्स कर देना चाहिए और अध्यक्ष पद के लिए कहीं ना कहीं जो है चाचा शिपाल को छोड़ देना चाहिए। देखिए उसमें तजुर्बा भी है, चीज़ों को समझते हैं और उनको पता है। देखिए अध्यक्ष बन तो जाएंगे, काम वैसा ही होगा मल्लिका अर्जुन खड़गे वाला कि भले ही अध्यक्ष तो बन जाएंगे लेकिन मशवरा या तो सोनिया गांधी या राहुल से लेना पड़ेगा, तो वो चाचा शिपाल बन जाएंगे, मशवरा अखिलेश से ही लेना होगा। लेकिन ये एटलीस्ट हो जाएगा कि कम से कम आपको जैसे कोई जिम्मेदारी, जैसे आपने रामपुर हार गया तो उसका ठिकरा तो फोड़ना ही पड़ेगा, तो जब आप दे ही है तो फिर चाचा शिपाल पे फोड़ दीजिए, तो आप बसते जाएंगे और सीएम के लिए भी कैंडिडेट के लिए आप अपने आप को वक्त दे पाएंगे। तो मुझे लगता है कि अध्यक्ष पद के लिए दावेदार अगर उनका हो जाता है तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन एक चर्चा आती है अपर्णा यादव को लेकर, आजम खान को लेकर, इरफान सोलंकी को लेकर, या फिर हम बात कर लें अभी हाल ही में कुछ खबरें सामने आई कि प्रिंस से उन्होंने मुलाकात करी थी, तो तमाम इन सब चर्चाओं को लेकर यहाँ पर जारी है कि उनके आने से पुराने नेता अपनी वापसी की ओर सपा पार्टी में देख रहे हैं, तो इसको आप किस तरीके से? बिल्कुल चाचा शिपाल की वापसी हुई, अपर्णा को लेकर यही चर्चा हो रही है क्योंकि माना जा रहा है कि बीजेपी शायद उन्हें कोई भी जिम्मेदारी नहीं देती नजर आएगी। आजम खान का अपने जिक्र किया, देखिए आजम खान की अब कहानी खत्म हो गई, जब से इस दुनिया से जब चले गए मुलायम सिंह यादव उसके बाद से अब उनका उतना वजूद नहीं है, रामपुर से हारने के बाद तो वैसे भी खत्म हो गए। हाँ अब्दुल्ला है एक, उनका चर्चा होती रहेगी लेकिन अपर्णा का इस बीच में रहेगा। बिल्कुल देखिए जिस तरीके से खतौली और मैनपुरी जीत हुई तो उसके बाद मुझे लगता है कि बहुत सारे वापसी के सुर आ रहे हैं और अगर होते भी हैं, आज देखिए अखिलेश यादव अब चंद्रशेखर से भी बातचीत हो रही है, मायावती से बात हो रही है, मुझे लगता है कि 2024 के चुनाव से पहले ये शायद एकजुट होंगे और एकजुट होकर जितना एकजुट होंगे मुझे लगता है कि बीजेपी को डिफेंड कर पाएंगे और उतना ही चुनाव में दिलचस्पी अभी और अच्छा बेहतर होगी। ये बात साफ है। लेकिन हमारे साथ एक और सहयोगी मौजूद है ऋतिक, जिनसे सीधा सवाल इसी मुद्दे को लेकर रहेगा कि शिपाल की बड़ी जिम्मेदारियों को लेकर बहुत कयास लगाए गए लेकिन इन कयासों को आप विराम कहाँ पर देते हैं कि हाँ ये बड़ा पद है जो शिपाल को मिल सकता है, बिना पद के वो काम करेंगे, नाम होगा अखिलेश का, ये बात आप भी जानते हैं, लेकिन अगर शिपाल को बड़ा पद मिलेगा जैसा कि आसिफ ने कहा अगर चुनाव हार जाएंगे तो जिम्मेदारी वो लेंगे, अगर चुनाव जीत जाएंगे तो तारीफ उनकी होगी, तो इसको आप किस तरीके से देखिए? आपको एक बयान याद होगा जब योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि चाचा शिवपाल की जो हालत है वो पेंडुलम और फुटबॉल जैसी है और वही हालत जो है आज समाजवादी पार्टी में देखने को भी मिल रही है। चाचा शिवपाल इसलिए शामिल हुए थे कि अखिलेश यादव उनको आगे रखेंगे लेकिन नहीं रखा गया। आप ये याद कीजिएगा कि अभी प्रसपा पार्टी का विलय हुआ है लेकिन प्रसपा पार्टी खत्म नहीं हुई है, ये बड़ी बात है। दूसरी बात, चाचा शिवपाल ने भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ की, भारत जोड़ो यात्रा में और राहुल गांधी की तारीफ की, तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि मुलायम सिंह यादव के दाहिने हाथ कहे जाते चाचा शिवपाल, तब भी अखिलेश यादव उनको आगे नहीं रख रहे हैं और मुझे लगता है कि फिर से वो प्रसपा पार्टी में लौटेंगे क्योंकि ये गलती फिर से अखिलेश यादव करते हुए नजर आ रहे हैं। चाचा शिवपाल को देख लीजिए, उनके बेटे आदित्य यादव को देख लीजिए, आदित्य यादव को भी अभी कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई है, तो कहीं ना कहीं अखिलेश फिर से वही गलती कर रहे हैं जो पहले की थी उन्होंने। लेकिन इस बार अपर्णा डिंपल का ये कहना है कि शिवपाल का साथ मत छोड़ना, आपकी तरक्की बहुत दूर तक होगी, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए तरक्की कहाँ हो रही है, कहीं कुछ मिला ही नहीं, कोई बड़ा पद ही नहीं है, कुंडा पहुँचते हैं, प्रयागराज पहुँचते हैं, रैलियाँ कर रहे हैं, इसके अलावा क्या मिला उनको? कुछ भी नहीं। जबकि चाचा शिवपाल ने ये कहा था ये सिर्फ चुनावी चाचा बनकर रहे, बिल्कुल चुनावी चाचा बनकर रह गए, और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में जिस प्रसपा पार्टी का भी अंत नहीं किया है, अभी आप उनका ट्विटर हैंडल उठा के देखीजिए, अब इंस्टाग्राम आदित्य यादव का देखिए, अभी भी प्रसपा पार्टी लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि ये बड़ी बात है कि प्रसपा पार्टी का खात्मा नहीं हुआ है और हो सकता है कि अगर अखिलेश यादव उनको आगे नहीं रखें तो प्रसपा पार्टी का फिर से उदय हो जाए। ये बात साफ है कि कहीं ना कहीं प्रसपा को खत्म ना करना, उनके साथ विलय करा देना, प्रसपा को एक बढ़ोतरी देना है। अब देखना ही दिलचस्प रहेगा कि खरमास के बाद ही सही लेकिन शिवपाल सिंह यादव के बड़े पद को लेकर क्या ऐलान होता है, क्या अध्यक्ष बनाया जाएगा या सीएम चेहरा बनाया जाएगा या लोकसभा चुनाव के लिए उनको तैयार किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी उनको लेकर चर्चाएं बहुत थी लेकिन उन चर्चाओं पर विराम तभी लगेगा जब जनता के बीच उनके नाम का आखिरी ऐलान होगा। बने रहिए चैनल के साथ, ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।